Welcome to Cooking and Stitching World. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू भिंडी की रेसिपी। तो इसके लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है वो है, प्याज ले लिए मैंने एक अदद और उसको काट लिए, आलू ले लिए एक और इसको भी ऐसे स्लाइसेस में काट लिए, तीन हरी मिर्चें मोटी वाली लेके इनको दरमियान में से चीरा लगा लिया मैंने, दो टमाटर लिए हैं और इनको भी काट लिया है, चॉप कर लिए, भिंडी है इसको भी आप धो के अच्छी तरह खुश करके उसके बाद काटें, चाहे आप इस तरह इस शेप में काट सकते हैं या चाहे आप फ्रेंच फ्राइज शेप में भी काट सकते हैं, इनको भी भिंडी को भी आप फ्रेंच फ्राइज की तरह काटें और आलू को भी। और जो स्पाइसेस हमें चाहिए वो हैं 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हमारे पास है पिसा हुआ खुश्क धनिया। भिंडी जो है वो ज्यादा स्पाइसी हो तभी खाने वाली होती है। चलिए अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया 1/4 कप। अब तेल ले लें, उसमें सबसे पहले शामिल करते हैं जीरा। जीरा शामिल करने के बाद इसको हल्का सा चला लेंगे, 1 मिनट के लिए जीरे को हम भूनेंगे। जीरे को 1 मिनट भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे अपना कटा हुआ प्याज, और प्याज शामिल करते ही आप आंच को मीडियम पे कर दें। एकदम से हमें इन्हें जलाना नहीं है बल्कि बिल्कुल जो है सॉफ्ट करना है। भिंडी में जो प्याज होते हैं वो सॉफ्ट ही होते हैं। आंच मैंने हल्की कर दी है। इनको सॉफ्ट करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे आलू, क्योंकि आलू देर से गलते हैं और भिंडी जल्दी गल जाती है, इसलिए हम पहले आलू शामिल करेंगे। प्याज तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं, अभी हम इसमें शामिल करेंगे आलू। आलूओं को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। आलूओं को मैंने 2 मिनट भूनने के बाद अब शामिल कर रही हूँ टमाटर और हरी मिर्च। टमाटर शामिल कर देते हैं पहले। इसको चलाने के बाद साथ ही शामिल कर देते हैं अपनी हरी मिर्चें और इसको चला लेंगे, साथ ही अपने स्पाइसेस जो हैं हमारे पास वो शामिल कर देंगे, रेड चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी पाउडर, नमक और खुश्क धनिया। इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। अच्छा, टमाटरों को हमने ज्यादा गलाना नहीं है, साबत साबत रखेंगे इसमें टमाटर, नजर आने चाहिए। और इसके साथ ही हम मैंने तकरीबन इसको मसाला डालने के बाद 1 से 2 मरतबा चलाया है और अभी शामिल कर रही हूँ भिंडी। और भिंडी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करके हमें आंच को बिल्कुल स्लो कर देना है, जैसे दम पे चीज रखते हैं वैसे
और इसको दम पे रखेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट में जो हमारे पास भिंडी है और आलू अच्छी तरह गल जाएंगे, क्योंकि आलूओं को भी हमने पहले फ्राई किया था। चलिए आंच हल्की कर देते हैं और इसको ढक के दम पे रख देते हैं। आंच हल्की करके मैंने इसे ढक दिया है। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसे दम पे पकाना है। इसके दौरान आप चमचा चलाती रहें ताकि आपकी जो सब्जी है वो जल ना जाए। मिलते हैं 5 से 7 मिनट। अभी 3 मिनट के बाद मैं इसे देख रही हूँ, चमचा चला दें और फिर इसे ढक दें। सात मिनट हो चुके हैं, अभी हम इनको चेक कर लेते हैं। देखें तेल एक साइड पे आ चुका है, इसका मतलब है हमारे आलू भी अच्छी तरह गल चुके हैं और भिंडी भी अच्छी तरह गल चुकी है। अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। गर्मा गर्म भिंडी तैयार हो चुकी है, आप इसे घर में बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। मज़ीद नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल पे न्यू विज़िटर हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके पास बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं। इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको आपके साथ शेयर करती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।